डे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लोहड़ी मेकअप लुक, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ। सो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने सजेशन दिया है कि दी आप लोहड़ी मेकअप लुक कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने स्किन की केयर, क्योंकि किसी भी मेकअप को अगर हमें अच्छा करना है तो उसके लिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का कुकुम्बर ग्लो टोनर, और इसे मैं थोड़ा सा हैंड से अपने प्रेस करूँ जिससे कि स्किन में अच्छे से मिल जाए। और किसी भी इंसान को टोनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर अ अच्छे स्किन आपको ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम, क्योंकि सीरम आपको पता ही है कि आपके स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। सो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिसे कि हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो मैं भी थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ यूज़ करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेकअप करने आप जा रहे हो तो उसके पहले आपकी स्किन का अच्छे से केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मेकअप क्या होता है आपकी स्किन को कहीं ना कहीं ख़राब तो कर ही देता है अगर आपने एक अच्छा सा बेस मेकअप नहीं किया तो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आज मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर कुछ नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पे यूज़ करूँगी काजीमा का एलोवेरा जेल, क्योंकि ये प्योर नेचुरल है और मैंने अभी इसका रिव्यू जस्ट अपने चैनल पे जल्दी ही शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट लेना हो तो आप उसको देख सकते हो। लिटरली बताऊँ ये मुझे जो है जेल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना मैं ढेर सारा लगाती हूँ जिससे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। आपको करना ये कि इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, अच्छे से अपने स्किन में रोटेशन मोड में करना है इसे, जिससे कि क्या होगा आपकी स्किन में अच्छे से मिल जाएगा। और इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लगा करके अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ी देर ये अच्छे से आपकी स्किन में चला जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वादी का लिप बाम, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। ये लिप बाम मेरे को यूज़ करते हुए 1 साल हो गया है और अब जाकर ये ख़त्म हो रहा है। मैं इसको रेगुलर बेसिस पर लगाती हूँ, बहुत अच्छा लिप बाम है ये। तो आपको जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसका जो भी मेरे पास लिंक होगा उसको ज़रूर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, जिससे कि आप जो है उसे ले सको। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे, और उसके लिए मैंने लिया है एक नॉर्मल लोकल मार्केट से ली हुई आईब्रो पेंसिल, जो कि हर कोई यूज़ करता है। बाकी मैं पाउडरी फॉर्म को अभी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ। मुझे लगता है जब तक आप बहुत प्रो नहीं होते तब तक आपको पाउडरी फॉर्म को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लगाते हैं बहुत थिक लेयर सी हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। इससे अच्छा वो नहीं लगा वो ज़्यादा बेटर होता है। इसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से इसको थोड़ा अच्छे से ब्रश आउट कर दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा एक अच्छा शेप मिल जाए आईब्रोज़ को। वैसे भी मैंने इस टाइम पर आई थिंक मैं ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है मेरी आईब्रो, मैंने अभी तक उसको करवाया भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा अच्छा करना है इसलिए मैंने अभी नहीं करवाया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का कंसीलर, क्योंकि मैं बता दूँ आज का जो मेकअप लुक है उसमें मैं मैक्स टू मैक्स चीज़ें स्टेक वर्की की ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने शादी से पहले कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जो कि स्टेक वर्की थे, और मैं सिर्फ इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे सीखना था, बट मैंने उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। तो मुझे लगा चलो आज के मेकअप लुक में थोड़ा सा मैं उसका यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर मेरे जो भी ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्पॉट है, लाइक आई का जो एक कॉर्नर होता है वहाँ पे बहुत स्पॉट होते हैं, सबको होते हैं, थोड़े थोड़े डार्क सर्कल वगैरह होते हैं, तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने वहाँ वहाँ हल्का सा लगाया है। और इसके बाद मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्पर्ज कर दूँगी, जिससे कि कोई भी ऐसी लाइंस ना रह जाए जो कि दिखने लगे, क्योंकि आपको क्या होता है कंसीलर एक अच्छा कवरेज देता है। और मुझे लगा कि स्टे कर्की का ये बहुत अच्छा कंसीलर था, बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। और ये बहुत पहले आता था, आई डोंट नो अभी आता है या नहीं, बट अगर मेरे को लिंक मिला मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और इसका आप कवरेज देख रहे हो कितने अच्छे से, मतलब आईज एरिया को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और मैंने आज कोई भी इसीलिए मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं यूज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एलोवेरा जेल जो था मेरा वो सफिशियंट था, मुझे एक्स्ट्रा एलोवेरा जेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी जहाँ जहाँ जैसे जैसे था मैंने उसको अच्छे से मर्ज कर दिया। आपको ये वीडियो थोड़ी सी दिख रही होगी कि बहुत जल्दी मैं कर रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्टे क्विर्की का लिक्विड फाउंडेशन, जिसमें विटामिन ई मिला हुआ है, और उसके साथ में मैं यूज़ करूँगी निविया का एलोए हाइड्रेशन लोशन, जो कि बॉडी लोशन जिसको कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अलग से फेस के लिए कोई लोशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास एक कोई लोशन है नॉर्मल तो। और मैं मतलब रेगुलर लाइफ में मैं निविया का यही यूज़ करती, एक तो बहुत ही हल्का सा ये लोशन है, सो मैं इसीलिए अपने फाउंडेशन में हमेशा मिलाती हूँ। इससे क्या होता है आपका जो मेकअप होता है वो केक ही नहीं लगता है। पहले मैं नहीं मिलाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही अजीब सा मेकअप हो रहा है, फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया इसको। और मैं इसे थोड़ा सा नेक में भी लगाऊंगी, क्योंकि नेक में लगाना ज़रूरी है, ईयर्स में भूल गई हूँ, सो उसको माइंड नहीं कीजिएगा, बट ईयर्स में भी लगाना चाहिए ताकि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल मैच करे। और यहाँ मैं धीरे धीरे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैच कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी। और आपको नीचे की तरफ नहीं खींचना है, बस धीरे धीरे टैप टैप करके करना है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से ये मेकअप लुक निकल के आए। सो
आई थिंक मुझे लगता है ये मेरा थर्ड मेकअप है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेकअप लुक को शेयर करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने मेकअप लुक से थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ, थोड़ा सा आईब्रोज को लेकर के इतना नहीं हूँ बट और चीज़ों को लेकर हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट जो कि है हमारा लैक्मे का, क्योंकि कॉम्पैक्ट क्या करता है आपके फाउंडेशन को थोड़ा सा लॉक कर देता है, थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे देता है। सो इसलिए मैं इसको स्टे करके वाला मेरा मिल नहीं रहा था, नहीं तो वो एक जैसा मेकअप हो जाता सारा। बट देखिए क्या होता है, जब आप बिगनर होते हो ना तो आपसे थोड़ी गलतियाँ होती है, तो मेरे से भी देखिए गलती हुई। मैंने आज सोचा था कि मैं आई मेकअप पहले करूँगी और फेस मेकअप बाद में करूँगी, बट जब मैं करने लग जाती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं अपने हिसाब से सब करने लग जाती हूँ। यहाँ पर मैं एक आई शेडो पैलेट ली हूँ और वहाँ से मैंने एक पिंक शेड यूज़ किया है जो कि एकदम हल्का सा, मैं क्रीज लाइन यहाँ पे पहले क्रिएट करूँगी जिससे कि थोड़ा सा आई मेकअप अच्छे से बन के आए। तो पहले मैं अपना बेस क्लियर कर लूँगी, उसके बाद ही आगे के स्टेप पे चलेंगे। सो यहाँ पे मैंने अपने दोनों आँखों में अच्छे से बेस मेकअप कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी होता है उसको भी करना। पहले जैसे कि मैं डायरेक्ट यूज़ करने लगती थी तो नहीं हो पाता था। अभी मैंने क्या किया, आज कट क्रीज मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए मैं हमेशा कंसीलर यूज़ करती थी, बट इसे मैंने नॉर्मली किया है। मैंने उठाया एक ब्लैक शेड उठाया इसी सेम पैलेट में से, वो था तो ब्लैक बट थोड़ा सा क्या था चंकी पार्टिकल्स थे उसमें, तो उसकी वजह से क्या था थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रही थी, तो वो मुझे थोड़ा ग्रे सा शेड लगने लगा। उसका पिगमेंटेशन उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती जितना मुझे चाहिए थी। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या किया, सिर्फ हल्का हल्का सा लगा दिया है और इसको थोड़ा सा मेरे को डार्क लुक देना था, तो मैंने किया ये है कि थोड़ा सा इसी में से मैंने ब्लू शेड उठाया है और ब्लू को मैंने अपनी क्रीज लाइन पर थोड़ा सा फिर से एक बार लगा दिया, जिससे कि थोड़ा सा क्या हो जाए डार्क हो जाए। क्योंकि क्या है कि मेरा जो आज का कलर है सूट का या कुर्ते का वो क्या है, ब्लैक एंड पर्पल या पिंक बोल सकते हो आप इसे, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे हल्का सा पिंक कलर और लिया और इसे आगे एकदम कॉर्नर वी पे अपने लगा दिया, जिससे कि एक दो कलर ये शेड दे और जब देखिए फाइनल जो लुक आया है ना ये एक जैसा लगने लग गया है। पहले मुझे लगता कि नहीं अच्छा लगेगा बट लगने के बाद चीज़ें ना अच्छी हो जाती हैं। और मैं अगेन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ आईज़ के पास में, क्योंकि थोड़ा बहुत जो चीज़ें फेस पे आ गई थी आई शेडो का तो मुझे वो सब हटाना था थोड़ी, जो मैंने बोला ना जो आप नए होते तो थोड़ी गलतियाँ करते हो। तो मेरा सजेशन तो यही है, अगर आप भी मेकअप करो तो पहले आई मेकअप करो उसके बाद सारी चीज़ें करो, जो कि मैं इस बार गलती की हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विर्की का आईलाइनर, जिसका ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, बहुत ही ज़्यादा पतला है। सो दैट्स व्हाई मुझे लिटरली मुझे बहुत पसंद आया स्टे क्विर्की का, मतलब मैं स्टे क्विर्की का यूज़ करती हूँ, दूसरा लैक्मे का और मेबलिन का जो एक और आता है वो भी मैंने यूज़ किया, वो भी मुझे अच्छा लगा। सो नेक्स्ट मैं इसे थोड़ा सा काजल के तरीके से भी यूज़ करूँगी, फिलहाल मैं काजल भी लगाऊंगी बट मैं इसको भी यूज़ करूँगी, क्योंकि स्टे क्विर्की का जो काजल है ना वो थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटेड रहा मेरे लिए, क्योंकि उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगा। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया स्टे क्विर्की का काजल भी, क्योंकि ये क्या थोड़ा उतना डार्क नहीं मतलब शेड दे पाता अपना जितना मुझे लगा था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन की लिपस्टिक ली है और जिससे कि मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश, और ये बहुत ही सुंदर सी लिपस्टिक है। मैंने इसको इतना यूज़ किया कि ये एकदम से टूट गई है, और इसका मैं शेड आपको बता देती हूँ 660 टच ऑफ स्पाइस। ये बुलेट लिपस्टिक है मेबलिन की, अगर आपकी शादी होने वाली और आप न्यूड शेड कोई खोज रहे हो पिंक लिपस्टिक का बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि मैं इसको रेगुलर लाइफ में यही यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा, चाहे वो जिम जाना हो चाहे जहाँ जाना हो तो मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ अगर रेगुलरली अगर पूछूं तो। बस इसे भी ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा मर्ज कर दिया क्योंकि बहुत कोई डार्क कलर नहीं था इसलिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का मस्करा, क्योंकि मेबलिन का तो आपको पता है कि कितना अच्छा इफेक्ट देता है, और इसकी वजह से क्या होता है ना आँखों में एक अलग सा लुक आ जाता है, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा बोल्ड लगने लगती हैं। और मेबलिन मतलब मेरा फेवरेट हमेशा रहा है, मैं कितना कोई भी ब्रांड यूज़ कर लूँ बट मेबलिन से मेरा दिल कभी नहीं हटता है। और बहुत जल्दी मैं एक मेकअप लुक का स्पेशली आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, तो पहले मैं बता दूँ कि ये कौन सी लिपस्टिक है। ये है मेबलिन की, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये है क्रेयॉन है जो कि इसमें शेड है पिंक 2 है। अगर आपको भी लेना हो ना तो आपके पास 2-3 शेड ऐसे मेबलिन के ना ज़रूर चाहिए, जो कि आपके पास इसका शेड तो परफेक्टली होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये शेड एक ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी जो है लिप लाइनर है तो मैंने उससे थोड़ा सा जो है शेड देने की कोशिश की अपने लिप्स को, तो इसे करने के बाद में मैं अपना जो है फिर लगाऊंगी क्रेयॉन। तो मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि जो ब्राइडल के लिए एक किट होता है तो मैंने सोचा बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि मेरे को मैसेज करती हैं मैं उनको बताती हूँ तो एक ही को बता पाना मुश्किल है, और बहुत सारी डिमांड भी आती है कि दी कोई एक मेकअप किट बताइए। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने मंगवाई है वो आ जाएँ, तो मैं एक मेकअप किट कम्प्लीट आपको नॉलेज दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती जो नई नहीं होती उनको नहीं समझ। तो मैंने तो बहुत सजेशन लेने के बाद सारी चीज़ें ली थी, और आप ये देखोगे इस लिपस्टिक का जो कलर आएगा ना
उससे बेटर कलर मुझे नहीं लगता है कोई आता है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का हाइलाइटर और ये हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है। मतलब इसको लेने के बाद अब मैं कोई दूसरा हाइलाइटर तो नहीं लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप 10 तरीके के प्रोडक्ट्स लेते हो और यूज़ नहीं करते तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, तो मैं इसीलिए सिर्फ इसी का यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये लग जाता है और कितने अच्छे से मर्ज हो जा रहा है। नेक्स्ट जो आता है लास्ट हमारा बिंदी, जो कि मैंने पहले पिंक लगाई बट वो सूट नहीं कर रही थी इतनी ज़्यादा, फिर मैंने इसमें यूज़ कर लिया ग्रीन, क्योंकि मेरे दुपट्टे में ग्रीन कलर का काफ़ी ज़्यादा वर्क है। तो बस अब यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा पंजाबी लुक लेना है। तो यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ मांग टीका, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेटलमेंट देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मांग टीका को बस जस्ट देख लिया है कि कैसा क्या लग रहा है। तो ऐसे तो मैं कभी भी पफ नहीं बनाती हूँ, बट मेरे को लगता है आज बनाना पड़े, क्योंकि जब भी आपको मांग टीका चाहिए होता है तो उसके लिए थोड़ा सा तो पफ बनाना ही पड़ता है। तो मैंने साइड के बाल छोड़ दिए जो भी मेरी फ्लिक्स थी, बट मैं थोड़ा सा कोशिश अवॉइड करती हूँ कि मैं पिंस वगैरह ना यूज़ करूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट केराटिन करवाया तो मैं उस पर ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। बट थोड़ा सा मेकअप लुक करना था तो मैंने कर लिया है। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पफ बना लिया हल्का सा, जिसमें कि मैं थोड़ा सा फंसा सकूँ अपने मांग टीके को। और ये मांग टीका एक्चुअली मैंने लोकल मार्केट से लिया था और मैं अभी तक यूज़ नहीं कर पाई थी इसको सही से, तो मैंने सोचा चलो इस बार अच्छे से यूज़ करते, पूरा एक प्रॉपर लुक बनाते हैं। और ये बहुत अच्छे से लग गया था। बाकी साइड साइड के जो बाल है मैं उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़्यादा करूँगी, जिससे कि एक पफ सा लुक आए, क्योंकि मैं बहुत रेयर होता है जो कभी मैं पफ वगैरह यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पे सूट नहीं कर रहा है। बट जब ऐसे लुक की बात आती है तो वहाँ पर पफ बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कैसे लड़कियाँ इतने हाई पफ कर लेती हैं, पर नहीं मुझे ऐसा लगता ना कि बस शायद मेरे पर ही नहीं अच्छा लग रहा है। लोग को ऐसा मतलब होता नहीं है कि हाँ मेरे ऊपर ही नहीं अच्छा लग रहा होगा, तो बस वही सेम मेरे साथ भी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बालों को रोल किया और मैंने वहाँ पर फिर से पिन टक कर लिया। और ये मैंने थोड़े थोड़े से फ्लिक्स निकाल लिए हैं ताकि थोड़ा सा आसपास में फैला रहे, क्योंकि बाल नहीं तो बहुत चिपके चिपके से लगने लगते हैं। और मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है इतना ज़्यादा, तो कोई खास ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट बस यहाँ पे मैंने अपने ईयरिंग्स पहन लिए और बैंगल्स तो आप देख ही रहे, जो कि मैंने पहले ही पहन लिए थे ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि मुझे रील वगैरह भी बनानी है। तो अगर आपने अभी तक मेरी रील वीडियोज़ नहीं देखे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अच्छी अच्छी सी रील वीडियोज़ भी बनाती हूँ। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ के नाम से। और ये जस्ट मैं कंप्लीट एकदम तैयार हो गई, दुपट्टा भी मैंने लगा लिया और दुपट्टा बहुत सुंदर है सूट का। और ये है मेरा लास्ट लुक, जो कि मैंने एक स्कर्ट के साथ में इसको वियर किया है और मोजड़ी पहनी है। सो कैसा लगा आपको मेरा मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं ऐसी और कौन कौन सी वीडियोज़ में मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सो गाइज़ अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लोहड़ी।